वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। धारा 34 को एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। अनेक व्यक्तियों द्वारा कारित किए गए आपराधिक कार्य के अनुक्रम में एक दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के अधीन उद्भूत होता यदि ऐसा आपराधिक कार्य उन व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है जो अपराध कारित करने में सम्मिलित होते हैं। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष सबूत यदा कदा उपलब्ध होता है और इसलिए ऐसे आशय का अनुमान मामले के साबित किए गए तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। धारा 34 को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों का कार्य एक ही या समरूपी है। एक आहत स्त्री पर चाकू तथा ग्लास से अभियुक्त के साथ 3 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से हमला किया गया और कथित आहत स्त्री के आभूषण छीन लिए गए। रक्तरंजित अभियुक्त की शर्ट के अपराध के घटना स्थल से अभिगृहित किया गया। आभूषणों को अभियुक्त की झोपड़ी से अभिगृहित किया गया। चूंकि परीक्षण के दौरान न्यायालय द्वारा आहत स्त्री द्वारा अभियुक्त की शनाख्त को विश्वसनीय माना गया, वहां अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित थी। जहां अपीलार्थी जिसके बारे में यह अभिकथित किया गया कि उसने प्रोत्साहित किया और अन्य अभियुक्त ने अपने अग्नायुध से मृतक पर गोली चलाई ने अपने अग्नायुध से किसी पर भी गोली नहीं चलाई, जबकि इसमें से 2 अन्य सह अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जो लाठी एवं अग्नायुध से सुसज्जित थे। वहां अपीलार्थी अभियुक्त को भी संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त कर दिया गया। यद्यपि यह अभिकथन किया गया कि अभियुक्त मृतक का पति एवं इसके नातेदार अपर्याप्त दहेज लाने के लिए मृतका को परेशान करते थे और जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पति एवं पत्नी के बीच संबंध विवाह के 2 वर्षों तक सामान्य रहा और न तो मृतका का पिता और न ही उसके भाई ने पंचायत या पुलिस के समक्ष दहेज की मांग के बारे में कोई शिकायत की थी। इसके अलावा जहां मृतका को अभियुक्त द्वारा अस्पताल ले जाया गया और उसके पिता को फोन किया गया, वहां अभियुक्त की दोष मुक्ति को उचित माना गया। जहां तक मृतक के भाई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के घटना स्थल पर विद्यमान रहने का प्रश्न है तो उसने अभिसाक्ष में यह कथन किया कि वह अपने पिता के 40वां समारोह के संगत इंतजामों की जांच करने के लिए अपने मृत भाई से मिलने आया था। उच्च न्यायालय ने
नगर पालिका में रखे गए जन्म तथा मृत्यु रजिस्टर के सार के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अपने पिता के 40वां समारोह के इंतजाम के संदर्भ में मृतक अपने भाई से मिल नहीं सका था, क्योंकि 40वें समारोह के दिन घटना हुई ही नहीं थी। इसे त्रुटिपूर्ण माना गया। यद्यपि अभियुक्त ने प्रश्नगत दस्तावेज उदाहरणार्थ जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर को पेश किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इन दस्तावेजों को अपीलीय प्रक्रम पर अभिलेख पर लाए जाने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की। बजाय इसके मामले को स्पष्टीकरण देने के लिए साक्षी को एक अवसर प्रदान करने के लिए सेशन कोर्ट का प्रतिप्रेषित कर दिया, किंतु स्वयं दस्तावेज असुसंगत है और उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए उस दस्तावेज पर विश्वास नहीं कर सका कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटना के दिन मृतक अपने भाई से नहीं मिला और न ही मृतक से कोई बातचीत ही कर सका। स्टॉप।